सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस टेक्निकल वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप जियो टून को सेट कर दिए हैं, अगर जियो टून को डीएक्टिव करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस टेक्निकल वीडियो में पूरी प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने जियो टून को डीएक्टिव कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माई जियो ऐप को ओपन करना होगा। चलिए आप माई जियो ऐप के जो है ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना का। ऊपर देखिए एक थ्री लाइन का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जियो टून आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लेगा और यहाँ पे देखिए जो हमारे योर करेंट जियो टून जो हमारे जियो सिम के अंदर जो हेलो टून जो सेट है आपको यहाँ पे दिखाएगा और आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डीएक्टिव का एक ऑप्शन रहेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली डीएक्टिव कर देना है और यहाँ पे यस या नो के आपको ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे यस कर देना होगा। तो ये देखिए आपका जो हेलो टून जो सेट था वो डीएक्टिव हो गया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।